करते हैं अगली खबर का। गुरुग्राम को अब शायद जल भराव की समस्या से निजात मिल पाएगी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉनसून आने से पहले जीएमडीए की तरफ से अरावली की चाकबंदी की जा रही है ताकि अरावली से आने वाले पानी को रोका जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। अरावली का बरसाती पानी शहर के अंदर दाखिल ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने फरीदाबाद से जुड़े तमाम पहाड़ी श्रृंखलाओं के रास्तों पर चेक डैम की व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही रास्ते हैं जिनके जरिए मानसून में भारी बारिश के दौरान बरसने वाला पानी कभी अंडरपास में भयानक हालात पैदा कर देता है तो कभी आलीशान कोठियों की बेसमेंट को लबालब पानी में तब्दील कर देता है। इस बार जीएमडीए की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं कि साइबर सिटी तालाब में ना बदले। जीएमडीए की क्या तैयारियां हैं इस पर अधिकारी प्रदीप शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बार के मॉनसून को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 2016 के महाजाम के बाद फजीहत के बाद करोड़ों रुपए तमाम योजनाओं के ऊपर परियोजनाओं के ऊपर खर्च किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके हर साल मॉनसूनी बारिश जिला प्रशासन के अधिकारियों को परेशान करती आई है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जीएमडी के अधिकारी प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अरावली के पानी को खपा पाना जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता रहा है। इस बार की मॉनसून की बारिश में जल भराव ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो चार नंबर क्रीक्स हैं जो बेसिकली गोल्फ कोर्स रोड से जुड़ी हुई हैं अरावली से आकर के, उन सभी क्रीक्स के थ्रू पानी जो ना आए उसके हमने समुचित प्रबंध किए हैं। बेसिकली लास्ट ईयर भी जब जीसीआर पे फ्लडिंग हुई थी तो जो रोड्स हैं जो फरीदाबाद रोड को कनेक्ट होती हैं उन सभी वे सभी रोड्स दे वर एक्टिंग एज ए चैनल ब्रिंगिंग ह्यूज वाटर टू जीसीआर। इस बार वो रोड से पानी हमने समुचित प्रबंध किया है कि जीसीआर पे ना आए। हमने चेक डैम बनाए हैं, उस पानी को वहीं अरेस्ट करेंगे, वहीं रिटेन करेंगे और ताकि वो रिचार्ज हो सके। प्रदीप शर्मा की माने तो 2019 में शहर भर में 79 ऐसे इलाके थे जहां जल भराव की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर थी, लेकिन 2021 में संख्या घटकर केवल 39 के करीब पहुंच गई, जिसमें से मई महीने में हुई बारिश में 17 इलाके ऐसे थे जहां जल भराव हुआ ही नहीं, जबकि 14 इलाकों में बरसाती पानी महज एक घंटे में साफ हो गया और 8 बचे इलाकों में बरसाती पानी को डिस्चार्ज होने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। 2016 के बाद से जो तैयारियां थी वो कहां 2021 पर आकर ठहरती हैं और आप कैसे ये कह सकते हैं कि इस बार की बारिश में जल भराव नहीं होगा? अगर होगा तो कितना जल भराव होगा और कितनी देर में डिस्चार्ज हो पाएगा? जो जल भराव लास्ट ईयर हुआ था जीसीआर जिसमें अंडरपास में फ्लडिंग हुई थी, वो आपको याद हो बहुत ही एक छोटे अंतराल पे 3 घंटे के अंदर 120 एमएम का रेनफॉल था। दैट वाज ए मैसिव रेनफॉल। पिछले से पिछले साल 79 पॉइंट्स क्रिटिकल थे जहाँ पर जल भराव होता था। ये नगर निगम, जीएमडीए, डीएलएफ और एचएसवीपी की ज्वाइंट टीम बनाई गई और सबने सर्वे किया अपना। उस सर्वे के बाद हमने काम किया और लास्ट ईयर केवल 35 पॉइंट्स थे जहाँ पर जल भराव हुआ। 35 पॉइंट्स पर काम करने के बाद अब जो बारिश मई में है उसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि 17 पॉइंट पर तो हमारा कोई वाटर लॉगिंग नहीं था, 14 पॉइंट पे 1 घंटे में पानी निकल गया। बैलेंस 8 जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस पे थोड़ा जल भराव 2 घंटे से ज़्यादा रहा, उन पर हमने फोकस किया है ताकि इस बार जल भराव ना हो और उन सभी 8 लोकेशंस पर कार्य चल रहा है। हमने सभी 35 लोकेशन जो हमारी हैं, 4 लोकेशंस हमारे से ट्रैफिक डीसीपी ट्रैफिक से आई थी तो कुल 39 हो गई, उन सभी पर डेडिकेटेड टीम हमने लगाई हुई है। हर एक को हर लोकेशन पे जेई और उनके साथ सुपरवाइजर वो लगाए हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लिए रोस्टर सिस्टम बनाया हुआ है, नगर निगम, डीसीपी ट्रैफिक और जीएमडीए तीनों का मिल करके एनएचआई।
ताकि वो अपने अपनी लोकेशन से हमारे को वहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और जहाँ जल भराव होगा वहाँ तुरंत मोबाइल पंप्स ले जाकर या कोई और समुचित व्यवस्था करके उसकी जल निकासी की जाएगी। बीते साल गोल्फ कोर्स रोड के अंडरपास में भारी बारिश और पानी निकासी न होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिसको देखते हुए तमाम अरावली से जुड़े रास्तों के सर्वे करवाकर मंथन किया गया, जिसके बाद यहां बड़े तौर पर चेक डैम जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जीएमडीए के इस बार की मॉनसूनी बारिश में लोगों को जल भराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसमें एक सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया था कि बीते साल जो बारिश हुई थी मॉनसूनी बारिश, जिसने की गोल्फ कोर्स रोड के अंडरपास के अंदर परले जैसी स्थिति का आभास कराया था, उसको देखते हुए सर्वे कराया गया और इस अरावली के पानी को कैसे खपाया जाए इस पर मंथन किया गया। हम इस वक्त गुरुग्राम से जो गोल्फ कोर्स रोड से फरीदाबाद की तरफ ये रोड जा रहा है, यहीं पर मौजूद हैं जहां पे चेक डैम जैसी व्यवस्था अरावली के इस क्षेत्र में बनाई गई है। दरअसल यही मॉनसूनी बारिश का पानी लोगों को ना केवल परेशान कर रहा था बल्कि साइबर सिटी में परले जैसे हालात पैदा कर रहा था। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो वहाँ से बिल्कुल स्लोप रोड है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा या ऊंचा ब्रेकर बनाया गया है। जीएमडी की टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं, और इस पानी को इस अरावली क्षेत्र में मोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो इस पानी को अगर इस तरह से स्लोप से मोड़ा जाएगा तो अरावली के इस मानसूनी बारिश के पानी को न केवल यहाँ पर स्टोर किया जाएगा बल्कि रिचार्ज की दृष्टि से भी इसे एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इस तरह के चार रोड हैं जो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को गुरुग्राम से जोड़ते हैं और यही चार रोड्स के ऊपर जो पानी था, बारिश का जो पानी था, वो कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स रोड या फिर बादशाहपुर ड्रेन या फिर अन्य इलाकों में जल भराव की स्थिति थी, सेक्टर 28 में जल भराव की स्थिति थी, उन तमाम इलाकों में परेशानी पैदा कर रहा था। यही वाटर लॉगिंग जिला प्रशासन को एक बड़ी फजीहत का कारण बन रही थी, जिसके चलते अब अधिकारियों ने सर्वे कराकर इस पूरे अरावली क्षेत्र पर मंथन किया, उसके बाद ऐसी चेक डैम जैसी व्यवस्था को बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो इस अरावली के पानी को जब यहाँ पे छोड़ा जाएगा तो काफ़ी कुछ इलाका जो है वो कच्चा रखा गया है, जिससे न केवल बेहतरीन रिचार्ज होगा बल्कि मानसूनी बारिश में जो जल भराव की स्थिति थी उससे भी कहीं ना कहीं निजात पाई जा सकेगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम।